मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8, एक्सरसाइज 1.3 का आपका है क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। द प्राइस ऑफ 100 पेंस इज 503/5 एंड द प्राइस ऑफ 50 पेंसिल्स इज रुपए दिए हुए हैं आपको 100/1/5। फाइंड द प्राइस ऑफ 3 पेंस एंड 5 पेंसिल। तो आपको 100 पेंस का रुपए बताए गए हैं इसमें और पूछ रहा है 3 पेन के बताओ, और 50 पेंसिल्स के रुपए बताए गए हैं इसमें आपको रुपीस, और पूछ रहा है कि 5 के बताओ। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द प्राइस ऑफ 100 पेंस आपको दिया हुआ है, ये आपका प्राइस है 503/5। तो ये आपको मिक्सड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई तो 500 से करेंगे और 3 कर देंगे इसमें ऐड। तो 5 × 5 = 5 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 5 किससे करोगे तो 25 और प्लस 3 करोगे तो आपका आ जाएगा ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन में। अब हम 100 पेन्स की वैल्यू प्राइस तो आपका ये हो गया, तो अब हमें किसका निकालना है, 1 का। तो 1 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा आपका, 100 चला जाएगा बच्चों इसके अपॉन में। ठीक है, ये हो गया आपका 1 का प्राइस। वन पेन की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब बात कर, वो पूछ रहा है कि कितने पेन्स के, वो पूछ रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ 3 पेन्स। तो हमें प्राइस ऑफ 3 पेन्स निकालने हैं, 3 पेन्स की। तो इक्वल हो जाएगा, 3 से हम क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 3 × 3 = 9, 0 × 3 = 5 = 15, 1 carry 3 × 2 = 6 और 1 = 7 अपॉन में आपका 500, ये रुपीज़ आ गए आपके। ठीक है, 3 पेंस के। अब बात करते हैं हम पेंसिल्स। तो 15 पेंसिल्स की वैल्यू प्राइस दिया हुआ है आपको, तो प्राइस ऑफ 50 पेंसिल्स इक्वल दिया हुआ है आपको 100/1/5। तो ये मिक्सड फ्रैक्शन में हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेंगे, जिस टाइप से ऊपर लिखा थी 5 की 100 से मल्टीप्लाई और 1 इसमें क्या कर देंगे ऐड करेंगे, तो 501/5 आ जाएगा। ये तो आपके 50 पेंसिल्स का प्राइस है। उसी टाइप से 1 पेंसिल का प्राइस निकाल लेंगे हम, तो 1 पेंसिल का प्राइस आपका होएगा अपॉन में क्या चला जाएगा आपका 50, ये प्राइस हो गया आपका 1 पेंसिल्स का। तो कितने पेंसिल्स का पूछ रहा है, 5 पेंसिल्स का, तो हम 5 पेंसिल्स का निकाल लेंगे। प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स इक्वल हो जाएगा आपका 501/250 और 5 चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो इससे आप जब कट करोगे तो आपका आ जाएगा 50। तो 501/50 ये आपका आ गया 5 पेंसिल्स का। तो दोनों की ही वैल्यू हमने निकाल लिया, अब हमें इसे फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 3 पेंस प्लस में 5 पेंसिल ऐड कर लेंगे प्राइसिंग का। तो कितना हो जाएगा, 3 पेंस की कितनी वैल्यू आई थी, आप प्राइस आया था आपका, और इसकी आई थी आपकी ये। अब हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 500 और 50 का एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 500। तो ये वाली संख्या तो आपकी मल्टी 500 से 500 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1 प्लस फिर 501 मल्टीप्लाई 50 से 500 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 10। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, एक जीरो ऐड हो जाएगी इसमें पीछे ये, और अब बस हम टोटल कर देंगे, 909 हो जाएगा, फिर 1, 5 और 7 और 5 हो जाएंगे आपके 12 अपॉन में आपका 500। तो ये आपके इतने रुपीज़ आ गए। ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, एक कार इज ट्रैवलिंग
एट ए स्पीड, एक कार ट्रैवल कर रही है जिसकी स्पीड आपको दी हुई है 52/5 किलोमीटर पर आवर्स। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रैवल ए डिस्टेंस, वो कितना टाइम लेगी, टाइम निकालना हमें ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 201/10 किलोमीटर। ठीक है, इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी अगर उसकी स्पीड इतनी है। तो ए कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड, स्पीड आपको दी हुई है 52/5 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस दी हुई है आपको 201/10 किलोमीटर और टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका होता है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो हमें निकालना है, तो डिस्टेंस के अपोन में क्या लाएंगे, स्पीड, स्पीड इसके अपोन में आ जाएगी, तो डिस्टेंस अपोन में क्या आ जाएगी बच्चों, स्पीड, और टाइम हमें निकालना है। तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू रख दो, डिस्टेंस कितनी है आपकी 201/10, तो ये आपका मिक्सड फ्रैक्शन में, तो हम इसे किसे लिख लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में, तो सिंपल फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/10, और डिवाइड करना है आपको, तो स्पीड आपकी मिक्सड फ्रैक्शन में, इसे भी हम सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेंगे उसी टाइप से, 5 की मल्टीप्लाई इसमें और 2 कर देंगे ऐड, तो कितना जाएगा आपका 252/5। अब हम इसे कट कर लेंगे, थोड़ी 10 यहाँ पे ये चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा 250, तो 5 × 2 = 10, आप 5 से 10 को कट करोगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 2001 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2001, और अपॉन में 252 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपका आ जाएगा 504। अब हम इसे है ना 3 से कट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 से कट करोगे तो 3 × 6 = 18, 2 बचेंगे, 3 × 6 = 18, 2 बचेंगे, 3 × 7 = 21, और अपॉन में आ जाएगा आपका, इसे कट करोगे 3 × 1 = 3, 2 बचेंगे, 20 हो गया, 3 × 6 = 18, 2 बच गया, 3 × 8 = 24, तो आपका आंसर आ जाएगा 667, 1 अपॉन में आ जाएगा 168, ये हो गया आपका आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 61/2 किलोमीटर पर आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस द ट्रेन विल ट्रैवल इन 10/1/2 आवर्स एंड 45/2 मिनट्स। तो स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है और आपके डिस्टेंस निकालनी है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन नंबर 12। The speed of a train equal the hour 61/2 kilometer per hours. How much distance? तो distance इस बार हमें निकालनी है, और time कितना दिया हुआ है, time दिया हुआ है बच्चों आपको 10/1/2 hours and 45/2 मिनट्स। ठीक है, तो हम टाइम को सबसे पहले आवर्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है, जो आपका ये मिनट में दिया हुआ है, तो सब ये आपका मिक्सड फ्रैक्शन में है, तो सिंपल में लिख लेंगे तो हो जाएगा 21/2 + 45/2 × 1/60, तो ये हो गया आपका आवर्स में चेंज। इसे कट कर लेंगे, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, तो 21/2 +
थ्री वन जा थ्री और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे टू फोर जा एट, ठीक है। टू और एट का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा एट, टू फोर जा एट, टू से एट को डिवाइड करोगे तो फोर प्लस थ्री मल्टीप्लाई एट वन जा एट, तो 21 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 84 प्लस 3 अपॉन में 8 इक्वल हो जाएगा 84 प्लस 3 87 अपॉन में 8। तो ये आपका टाइम आ गया आवर्स में, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है बच्चों, डिस्टेंस, और फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई। स्पीड आपकी कितनी दी हुई है, इस ये भी आपकी किस में दी हुई है, मिक्सड फ्रैक्शन में। तो इसे हम सिंपल लिख लेंगे, 2 की 60 से मल्टीप्लाई और 1 क्या कर देंगे उसमें ऐड, तो 121 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई। टाइम आपका कितना आया, 87 अपॉन में 8। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नीचे तो आपका आ जाएगा 16 और 121 की 87 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा आपका 10,527 किलोमीटर, यह आ गया आपका आंसर।